आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 वाज कंप्लीटेड राइट ना, वी हैव टू कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये देख रहे हैं ना, घुस जाएगा उधर देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अपने को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। What do you mean by that? Set of ordered pair. Set of ordered pair का मतलब क्या है? Question number 6. X square plus y square equal to 100. देखो, set of ordered pair का मतलब है. And x and y belongs to whole number लिखा है. देखो W लिखा है ना? W मतलब whole number. So when x is equal to 0, when x is equal to 0, what will be y? देखो अगर 0 put किया तो y square equal to 100, then you will take the square root, answer will be plus minus 10, but whole number minus 10 नहीं होता, है कि नहीं? Plus 10 होता है. When x is equal to, और कौन सा number ले ताकि हम लोग को आए? क्यों फोर नहीं ले सकते? अच्छा सिक्स और एट होगा करेक्ट, बिकॉज 64 and 36 राइट ना, तो वाई आ जाएगा 8 करेक्ट. अब एक्स इज इक्वल टू 6 तो वाई इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 8 तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 10 तो वाई कितना आ गया 0 ठीक है ना. तो देखो पॉइंट कितना आ गया 0, 10, 6, 8, 8, 6, 10, 0 ठीक है. तो अब इसका आंसर कैसे लिखना आपने को, ये जितना भी है ना उसको किसमें लिख देना आपने को, सेट में. तो इट विल बिकम 0, 10, 6, 8, 8, 6, 10. ठीक है, इसको डाउट है इसमें? ओके, नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है. देखो दो सेट दिया है ए एंड बी, ए में कितना है बोलो 6, 8 और बी में कितना दिया बोलो 1, 3, 5. क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फॉर दो सम दिया है, शो दैट आर ए माइनस बी इज एन इवन नंबर राइट है, इज अ नल रिलेशन ए माइनस बी. सीधी सी बात है, देखो ये ए है और ये बी है, अगर मैं ए माइनस बी करूंगा तो वहां पे लिखा भी है स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट, लेकिन ये स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी. But if we talk about a minus b, देखो 6 है, 6 को अगर किसी भी तीनों टर्म में से माइनस करो, देखो इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर, 6 माइनस 1 कितना होगा 5, 6 माइनस 3 कितना होगा 3, 6 माइनस 5 कितना होगा, और तीनों के तीनों 1, 3, 5 क्या है, ये सब ऑड नंबर है, इसका मतलब इवन नंबर नहीं आता है, है कि नहीं? तो a माइनस b does not या do not give
एनी इवेन नंबर, सही बोल रहा हूँ ना, एफ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट, राइट ना, ए पूछा है ना अपने से, शो दैट के इट इज अ नल रिलेशन, तो यहाँ पे लिख दो हेंस। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, a plus b is odd number is an universal relation, a plus b is an odd number, देखो odd number आएगा क्या, 6 plus 1 6 plus 3 6 plus 5 odd है ना, 8 plus 1 8 plus 3 8 plus 5 है कि नहीं, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, now consider a plus b, right ना, अब a plus b की जब बारी आएगी तो क्या क्या नंबर आएगा, देखो r में बोला है ना, r 2 में लिखने के लिए बोला, तो 6 plus 1 कितना आ गया 7, 6 plus 3 कितना आ गया 9, 6 plus 5 कितना आ गया 11, 8 plus 1 9 ऑलरेडी पहले से है, 8 plus 3 11 वो भी पहले से है, 8 plus 5 कितना होता है 13, राइट, किसी को डाउट है इसमें, ओके तो पहले इतना लिख लो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड सॉल्व, चलो सबको फटाफट लिखो, ओके देखो भाई एक स्टूडेंट है जो बोलता है कि प्लीज री एक्सप्लेन अगेन, एक बार फिर से सब लोग सुन लो, जो लिखना चाहते हैं लिखते भी रहो, ठीक है ना, कान खोल के लिखो, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 का अपने को ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है x और y का वो वैल्यू जो दोनों इसको सेटिस्फाइड करता हो, इस ऑर्डर को कंप्लीट करता हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर, तो जब मैं, और एक चीज ध्यान रखना है कि वो जो x और y का वैल्यू है दैट शुड बी एन होल नंबर, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू 10 आएगा,
अगर x का वैल्यू 6 पुट करूंगा तो y का वैल्यू 8 आएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सोचते होंगे कि सर हाउ डू आई नो कि 6 ही पुट करना है, वो आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ 1 से 10 के बीच में, ताकि अपने को दूसरा भी 1 से 10 के बीच में मिले। ठीक है, फिर x का वैल्यू तो बाकी दो 0 और 6 के अलावा और कोई कुछ पुट नहीं कर सकते, तो अगेन फिर इंटरचेंज कर दिया मैंने, एक बार x की वैल्यू 8 तो y आ गया 6 और 10 तो ये आ गया 0। और इस तरह से मुझे x और y मिलके एक ऑर्डर पेयर बनता है, इस तरह से मुझे कितने ऑर्डर पेयर मिल गए, 4 को मैंने सेट के फॉर्म में लिख दिया। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को a और b दो सेट दिया था और उन दोनों को यूज करके अपने को रिलेशन लिखना था। पहला रिलेशन किसका लिखना था? a माइनस b का, और उसने बोला था शो दैट a माइनस बी इज ए नल सेट। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि दैट सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। सीधी सी बात है, सेट a में क्या है? इवन नंबर है। सेट b में क्या है? ऑड नंबर है। जब मैं इवन में से ऑड माइनस करता हूं तो हमेशा अपने को क्या मिलता है? ऑड नंबर मिलता है। इवन मिलने का कोई चांस नहीं है। जब कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं तो सेट में लिखूंगा कैसे? इसका मतलब इट इज अ नल सेट। दूसरा बोला था मुझे a प्लस बी लिखो, है ना, विच इज ऑड नंबर। जब a प्लस बी किया तो ऑड नंबर ही आ रहा था, तो जितने भी प्लस आए वो सब लिख दिया। लेकिन सेट का एक रूल है, क्या? एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट। हम लोग ऐड कर रहे थे, देखा भी था कि 9 और 11 दो बार रिपीट हुआ, लेकिन लिखा कितने बार? करेक्ट है, हो गया सबका, लिख के रफ कर दूं? यस, ऑनलाइन वाले कैन आई रफ? हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि सबसे पहले ये सब जितना भी है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको अपने को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद उसने ये भी बोला कि अपने को डोमेन एंड रेंज बताना है। क्या बताना है? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट डोमेन एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट रेंज। डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है? देखो मैथ्स में डोमेन का मतलब होता है एक्स, क्या एक्स, और रेंज का मतलब होता है वाई, राइट। अगर कोई भी सेट दिया हुआ है रिलेशन के फॉर्म में तो उस रिलेशन में राइट जितने भी एक्स की वैल्यूज है उसको हम क्या बोलेंगे? और जितने भी y का वैल्यूज है उसको क्या बोलेंगे? इसको डाउट है इसमें? वैसे अगर डोमेन का मतलब अगर पूछने जाओगे तो एक्चुअल में डोमेन का मतलब होता है फ्री स्पेस, है ना? क्या होता है? फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस में अपने एज पर एज मैथ्स इज कंसर्न अपने पास वैल्यू किसका होता है फ्री स्पेस में? x का वैल्यू होता है। जब हम x का वैल्यू पुट करते तो y का वैल्यू आता है, तो y will decide the range of x, y will decide the range of x, इसलिए x को हम क्या बोलते हैं? डोमेन, जो फ्री रेडिकल्स है, फ्री एलिमेंट्स है। अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे डोमेन, मतलब ये डोमेन वगैरह फिजिक्स में भी आता है कि नहीं? एक्चुअल देखा जाए तो फिजिक्स का वर्ड है कि नहीं?
तो डोमेन का मतलब होता है फ्री स्पेस, फ्री रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज अ ठीक है। सब लोग अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या लिखा है देखो, फर्स्ट वाला आर वन ए ए स्क्वायर, ये देखो आप सब लोग, ए इज प्राइम नंबर लेस देन 15। सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, आप देखो कैसे लिखते हैं आंसर, देखो मतलब आपने को रिलेशन ऐसे लिखना है और ए क्या बोला है प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है ए, गधे लोग देखो खुली बोलता है सर टू सर वन, हाँ सर वन है, प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टू, टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर है ना, क्या हूँ पांचवी से पढ़ते आ रहा है तू भी, अभी तो पता नहीं प्राइम नंबर क्या होता है, देखो क्या हुआ, नहीं नहीं उस तो प्रॉब्लम है प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो उससे डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ है कि नहीं, देखो तो आर वन देखो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है टू, टू तो ये आ गया टू और टू का स्क्वायर आ गया फोर, दूसरा आ गया थ्री, थ्री का स्क्वायर आ गया नाइन, बाद में आ गया फाइव, फाइव का स्क्वायर आ गया पच्चीस, कितना आया नंबर फोर्टी नाइन, नाइन एटी वन, वन ट्वेंटी वन सिक्सटी, ठीक है नाइन ऑड नंबर है बट नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज नाइन को हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, बट प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खाली खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो, है कि नहीं, तो देखो ये आ गया आंसर आपका राइट। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, इसमें मुझे क्या लिखना है डोमेन, डोमेन तो डोमेन क्या है का बोलो, बाद में अगर बोलता है कि रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज, करेक्ट है, किसी को डाउट है इसमें पक्का, चलो ठीक है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करो नेक्स्ट, क्या लिखा है कितना आएगा देखो, ए ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू फाइव, कितना हो जाएगा सबसे पहला है जीरो से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर होता है वन, वन वन अपॉन वन करेंगे तो भी वन ही आएगा, टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन फोर and then five right, yes. अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है डोमेन, बोलो डोमेन में क्या आएगा, रेंज में क्या आएगा, करेक्ट है, लिख लो
एसी बढ़ाओ, क्या टेम्परेचर को गर्मी हो रहा है। Thank you.
देखो क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या लिखा है। अभी लगता है मुझे कुछ लोगों को भगाना पड़ेगा क्लासरूम में से, है ना? तो मुझे ऐसे लगता है चार पांच लोगों को भगा दूंगा ना तो फिर पूरा क्लास शांत हो जाएगा आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, कंडीशन दिया है वाई इक्वल टू थ्री एक्स। देखो ये कंडीशन है मेरा, बट वाई और एक्स का वैल्यू अपने मन से नहीं लेना है, वाई और एक्स दोनों वैल्यू दिया हुआ है, राइट? तो जब मैं x का वैल्यू 1 लूंगा, यहाँ पे देखो पुट किया तो कितना आएगा y का वैल्यू 3, लेकिन y में देखो 3 है क्या? हाँ है ना, कोई तो बोलता है कह रहे इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास y का वैल्यू भी है और x का वैल्यू भी है, तो वो दोनों लेना है 1 and 3। अब देखो x का वैल्यू कितना पुट करना है, 2। तो y का वैल्यू 6 है क्या? 6। अगर y का वैल्यू लिया, x का वैल्यू लिया 3, ठीक है? किसी को डाउट? अब 12 गया मेरे घर में, चलो समझा। तो x का जितना वैल्यू रहेगा उतना ही y का वैल्यू आएगा ना, तो x का वैल्यू हम लोग ने पुट किया, y का वैल्यू कैलकुलेट करके लिखा, बट कैलकुलेट करने के बाद ये भी चेक किया कि वो वैल्यू यहाँ पे है या ये दिया, इसलिए ताकि इसमें से ही आपको लेना है, अपने मन से कुछ भी लिखना नहीं। अगर सपोज करो कि यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे किया, 3 2 6, बट यहाँ पे 6 नहीं होता, यहाँ पे सपोज 5 दिया होता तो मैं ये 2 और 6 नहीं लिखता, क्योंकि जब 6 यहाँ पे है ही नहीं तो 6 कहाँ से लिखोगे? समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग फिर नहीं लिखते, ठीक है? ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको। अब इसका क्या लिखना है, डोमेन, और क्या लिखना है, रेंज आएगा लिखना ना।
देखो फोर्थ वाला, फोर्थ में देखो क्या लिखा है, आर फोर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू थ्री एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स प्लस वन, वेर एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा टू एंड वाई इज इक्वल टू टू फोर सिक्स। ठीक है सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, नहीं लिखना है बोला ना, छोड़ देने का उसको, मैंने वही बोला ना कि अगर सपोज यहाँ पे टू है बट यहाँ पे सिक्स नहीं होता, थ्री नाइन ट्वेल्व ही देता तो फिर हम लोग टू सिक्स नहीं लिखते, ये वाला नहीं लिखते, समझ में आया, ये और ये लिखते। जैसे अभी यहाँ पे ट्वेल्व है लेकिन एक्स के आगे तो कुछ और बचा ही नहीं ना, इसलिए हम लोग ने उसको छोड़ दिया। वैसे ही अगर इसमें भी नंबर होता लेकिन वो कैलकुलेट करने के बाद अगर नंबर यहाँ पे नहीं दिखता तो हम लोग उसको भी नहीं लिखते, समझ में। ओके अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, y is greater than x plus 1, अगेन x की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो देखो r 4 का वैल्यू क्या आएगा, when you will put x is equal to 1, तो 1 plus 1 कितना हो गया 2, अब y में देखो 2 से कितने नंबर बड़े हैं, 4 और 6 दोनों को लिखना है, तो एक बार लिखना है 2 4 और एक बार लिखना है, समझ गया अच्छे समझा, अब दूसरा वाला देखो, अब x की वैल्यू कितना पुट कर ली है 2, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, अगेन 3 से बड़ा यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, अगेन 4 6 दिख रहा है, तो क्या लिखूंगा 3 4 समझा सबको पक्का, तो अब आ गया यहाँ पे 2 में, बोलो तो आप 3 कहाँ से आ गया, कौन कहा से आ रहे, थ्री। देखो ये x की वैल्यू कितना है, पहले यहाँ पे वन रखा तो वन प्लस वन कितना हो गया, अब बोलता है कि y का वो वैल्यू लेना है जो ग्रेटर देन टू है, बराबर है, अब y का वैल्यू तो कितना यहाँ पे तीन दिया हुआ है, टू फोर सिक्स, तो अब इसमें से चेक करने का कि कौन सा वैल्यू टू से बड़ा है, तो टू से बड़ा कौन कौन है, इसका मतलब x का वैल्यू जब भी 2 रहेगा तो y का वैल्यू एक बार 4 लेंगे और एक बार 3, समझा, फिर दूसरी बार x का वैल्यू कितना पुट किया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, y का वो वैल्यू लेना है जो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा कौन कौन है, 4 और 6, एक बार 3 कॉमा 4 और दूसरी बार 3 कॉमा, समझा सर, अब 3 कहां से आया, समझा कहां से आया, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये थ्री में और ये आएगा ना लिखने, ओके आप देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो 5 में क्या लिखा है, आर 5 एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये देखो अगेन ये ऑर्डर पे जैसा ही है, हम लोग ने एक सम सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 था, याद है, यहाँ पे देखो x प्लस y इक्वल टू, लेकिन उसमें क्या था कि अपने को x और y की वैल्यू खुद से ढूंढना पड़ रहा था, यहाँ पे कुछ से नहीं ढूंढना है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इसमें से पेयर बनाना है, तो क्या आ जाएगा बोलो, 0 3 1 2 2 1, समझा, आगे क्या लिख, नहीं समझा, अरे x और y दोनों को प्लस करने पे 3 आना चाहिए ना, इसका मतलब यही है ना, तो इसमें से वो दो दो नंबर का पेयर बनाओ जिसको प्लस करने पे 3 आए, क्या अच्छा, अभी तक क्या उर्दू बोल रहा था मैं, अच्छा बोलता है,
ये क्या है दो में और इधर क्या है ठीक है सिक्स सिक्स पर देखो क्या लिखा आर सिक्स क्या है आर सिक्स देखो इधर क्या लिखा है आर सिक्स में सब लोग यहाँ पे ध्यान दो ए कॉमा बी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए लेस देन सिक्स मतलब वन टू फाइव की बात कर रहे हैं वो वन से लेके फाइव तक और बी इक्वल टू एवरी टाइम क्या लेना है फोर तो क्या आ जाएगा बोलो वन फोर अब इसका लिखना है डोमेन ठीक है एक सवाल चलो बच्चा जिंदे देवी को पास बातें नहीं कोई भी बात नहीं करेगा किसको कुछ भी डाउट है आस्क मी डायरेक्टली डोंट आस्क हियर एंड देयर Thank you.
क्या बोल रहे हैं फिर से वो नहीं एक ही बार लिखना होता है सेट में डोमेन आएगा 1 2 और रेंज आएगा 4 6 1 + 1 2 आएगा ना लेकिन एक्स्ट्रा वाले तो वही है ना इसलिए एक्स्ट्रा वाले सब लोग ने लिख लिया क्या सब लोग यहाँ पे देखो Thank you.
सब लोग इधर देखो ध्यान से, a कॉमा b बिलोंग्स टू n, a प्लस b इक्वल टू 6, राइट ना? तो बोलो कौन सा आएगा नंबर यहाँ पे a और b के फॉर्म में? देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 से। अगर a 1 लिया तो b कितना आएगा, 2 लिया तो 4, 3 लिया तो 3, 4 आया तो 2, और 5 आया तो 5, 6 तो ले नहीं सकते बिकॉज 0 आ जाएगा और 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आएगा डोमेन और दूसरा आ जाएगा 8 वाला, देखो क्या लिखा है, आर ए ए, यहाँ पे देखो ए बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब क्या, इंटीजर्स, लिखा है बी इक्वल टू ए प्लस टू, राइट ना? और ए दिया है 0 और 5 के बीच में, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैंने ए का वैल्यू 1 लिया तो बी कितना हो जाएगा बोलो, और अगर 2 लिया तो 4, और अगर 3 लिया तो 5, नहीं ले सकते ना, तो 1 3 and 2 4। अब आ जाएगा डोमेन और दूसरा आ जाएगा रेंज। चलो कंप्लीट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेस देन लेस देन लेस देन 5 या 0 और 5 के बीच में, ए भी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। ए का वैल्यू कहाँ पे, 7th में। ए का वैल्यू क्या लिया आपने, 8 क्वेश्चन में क्या लिखा था a कॉमा b बिलोंग्स टू n। तो अगर a का वैल्यू हम लोग ने 1 लिया तो b का वैल्यू कितना आया, और a का वैल्यू अगर 2 लिया तो, और a का वैल्यू 3 लिया तो, और a का वैल्यू 4 लिया तो, और a का वैल्यू 5 लिया तो। अब आप बोल रहे हो कि रिवर्स ऑर्डर में लो, है ना? क्या b का वैल्यू कितना लेना पहले, 1, तो b का वैल्यू अगर 1 लिया तो a का वैल्यू कितना आएगा, है ना? आप बताओ और क्या लेना, ऑलरेडी दिया हुआ है रिवर्स पे भी देखो, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 दिया हुआ है दोनों साइड। एक पहले हो गया,
बराबर कैसे आएगा तुझे अगर हम लोगों ने ए का वैल्यू 3 लिया तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा और अगर 4 लिया तो कितना हो जाएगा करेक्ट क्योंकि बी का कुछ कंडीशन नहीं दिया है ना खाली ए का ही कंडीशन है 0 to 5 एक्टिविटी का मतलब होता है प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होगा ना तो ये प्रैक्टिकल में आएगा मतलब आप उस तरह ऑलरेडी प्रैक्टिकल में पढ़ाने वाले राइट प्रैक्टिकल में वही क्वेश्चन लोग देते हैं जो लोग पढ़ाते हैं कि नहीं ये कॉलेज का एग्जाम होता है ठीक है लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है देखो पहला बोला है उसने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव सबसे पहले अपने को ये समझना है कि वो भी मीन करते हैं रिफ्लेक्सिव किस टाइप के फंक्शंस को हम रिफ्लेक्सिव फंक्शंस बोलते हैं किस टाइप के फंक्शंस को हम सिमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं और किस टाइप के फंक्शंस को हम ट्रांजिटिव फंक्शंस बोलते हैं ये तीनों चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट और तीनों में क्या रिलेशन होता है क्या हम रिफ्लेक्सिव को ट्रांजिटिव बोल सकते हैं क्या हम सिमेट्रिक को ट्रांजिटिव बोल सकते हैं या ट्रांजिटिव को सिमेट्रिक बोल सकते हैं ऐसा कुछ है क्या वो सारी चीजें आप लोगों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है तो सब लोग यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छे से और मीनिंग पहले समझ लो देखो हाँ बोलो कोई तो बोल रहे
सुनो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब जो रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, और रिफ्लेक्ट हमेशा सेम चीज होता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मिरर के सामने खड़ा हो तो मिरर में अपना ही जो फेस होता है वो रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, कि आपको खड़े रहते कुछ और दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो ट्विन्स है कि नहीं, जब दोनों वैल्यू सेम होता है। जैसे ए और बी, अगर ए की जगह पे बी रखा तो भी, और बी की जगह ए रखा तो भी, अगर सेम वैल्यू आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, समझा आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है। सिमेट्रिक का मतलब ये कि ए का वैल्यू जब पुट करूं तो बी मिला, और बी की जगह पे ए रखा तो बी मिला। ए की जगह पे बी का वैल्यू रखा तो ए मिलता है, और बी की जगह पे ए का वैल्यू रखते तो बी मिलता है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, कि दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे, तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं, राइट। और ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है, जैसे हम रिलेशन लगाते हैं ना, मेरे मौसी का लड़का मेरा भाई हुआ, कजिन है कि नहीं, तो मौसी की लड़की क्या हुई, है कि सिस्टर हुई कि नहीं। तो वैसा ही है इसमें भी रिलेशन, कि अगर ए बी है, ए बी है और बी सी है तो ए सी होगा, राइट। मतलब ए से अगर बी का वैल्यू मिलता है, बी से सी का वैल्यू मिलता है, तो ए से सी का वैल्यू मिलता, समझना। अगर ऐसा रिलेशन दिया है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, समझा आपको। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, थोड़ा देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं। क्या हो बच्चा, फिर A belongs to, क्या लिखा है मैंने, A comma B belongs to R. तो relation will be A and B B, right? This kind of relation will give the what, reflexive. अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ना क्या है, दूसरा क्या आ गया बोलो, सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें क्या आएगा, ए बी एंड बी ए, ए बी एंड बी ए, राइट। जब भी ऐसा कंडीशन दिया होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है रिलेशन विल बी ए बी
किसको फॉलो कर रहा है राइट है, ये फंक्शन ट्रांजिटिव है, ये फंक्शन सिमेट्रिक है और ये फंक्शन। अब इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन दिया होता है ऑलरेडी पहले से, याद रखो इस एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है ना 5.2 का, जितना भी सम्स आपको दिया हुआ है ना सब एक एक मार्क के लिए सम है, ये 1-1 मार्क का सम आता है। इज दैट क्लियर? जितना सपोज में से 5 सम दे दिया एक ही बार, सॉल्व ऑल 5, तो 5 मार्क का सम लेना, समझ में आया? एक एक मार्क का। तो इसमें कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको ऑलरेडी पहले से आंसर दिया होगा, क्या पहले से आंसर दिया होगा, रिलेशन दिया होगा और बोलेगा हाँ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, समझ में आया? तो आप लोगों को फिर वैसा डिसाइड करना पड़ेगा। आप पहले इसको लिखो तो मैं आपको एग्जांपल भी लिख देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? हाँ एक एक बार और कितने कितने मार्क के लिए खाली है सर? लिख लिया? नहीं नहीं लिखो लिखो इसका सम्स दिया नहीं है उन लोगों ने, है ना? बट फिर भी मैं इसके एग्जांपल आपको सिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। रफ कर दो, वेट बढ़ गया, जल्दी लिख। कितना आवाज करते तुम लोग? Thank you.
देखो जरा इसमें देखो सब सेम से है ना दैट साइड इज कॉल्ड एज ये देखो इसमें कैसा है 1 2 2 1 2 2 3 3 2 4 5 5 4 राइट ना दैट साइड इज कॉल्ड एज सिमेट्री और इसमें देखो कैसा है 1 2 2 3 1 3 1 2 1 ये राइट है ये वाला नंबर दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है ना That's why this is called as transitive. समझे सबको हाँ ये एक्सरसाइज आपका हो गया खत्म अब मैं आपको ना एक स्टूडेंट है इसने डाउट पूछा था मैंने लास्ट लेक्चर का एक आपको सम दिया था सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 राइट ना एक सम दिया था आपको सॉल्व करने के लिए आज सुबह तो इसने ट्राई किया आई थिंक इसको नहीं आया किसी ने और ट्राई किया घर पे ट्राई किया था बजट वाला आया नहीं आया देखो भाई एक बात बता दो आपको ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो 11-12 बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझ में आया क्या लेकिन अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे ना बहुत टफ हो जाएगा यहाँ इसलिए आप लोग इंटरेस्ट थोड़ा सा क्रिएट करो सॉल्व एग्जाम्पल और जो मैं होमवर्क देता हूँ ज्यादा होमवर्क में नहीं देता एक दो सम ही रहता है होमवर्क ऑलमोस्ट बाकी तो हर एक सब हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करते ही है लेकिन जो एक तो सब रहेगा अगर उतना भी आप नहीं कर पाओगे ना या नहीं कोशिश करोगे ट्राई करने और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि नहीं आपको करना ही है आप ट्राई तो प्रैक्टिस आप अपना काम करो बस नहीं आए यहाँ पे आगे कुछ हो भी सॉल्व करने लेकिन आप कुछ नहीं करोगे अगर तो पास तो हो जाओगे डेली क्लास जाओगे तो पास हो जाओगे इसकी फुल गारंटी लेकिन अभी आजकल पास होने से कोई गारंटी नहीं अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो मैथ्स में 90 प्लस तो थोड़ा सा घर पे मेहनत तो करना पड़ेगा देखो सुबह लेक्चर हुआ 9:30 को उसके बाद घर पे बैठ के आप लोगों ने खाली टाइम पास किया एक सम बोला 13 वाला ट्राई करना और मैंने बोल के भी लिखा कि दिस सम इज सेम एज क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट लेक्चर में आते समय सब लोग मैथ्स 1 लेके आएंगे आई विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री 2 नहीं अभी एक सम ये हो गया लिख लिया सुनो लिखा है अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन द वॉलीबॉल 15 इन फुटबॉल हाँ And 20 in basketball, right? The medals awarded
to a total of 58 players and only 3 players got medal in all 3 sports. How many received medal is exactly medal in exactly 2 of 3 sports? Right now? Question number 31. Let A, A, B, C. Him. एक तो कुछ करते नहीं हो ऊपर से खाली बस मस्ती करने का देखो एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी देखो मैथ्स ना याद रखना एक बार किसी के पढ़ाने से किसी को नहीं आता है मैथ्स खुद जो करता है ना उसको ही मैथ्स अच्छे से आता है एक बात हमेशा याद रखना सपोज अगर किसी को गाड़ी चलाने को बोल दिया जाए और 10 बार उसको सिखा दिया जाए कि भाई तेरे को ये प्रोसीजर फॉलो करना है इसका मतलब वो रट लिया इसका मतलब ये नहीं कि उसको गाड़ी चलाने आ गया समझ में आया क्या सेम केस विद द मैथमेटिक्स मैंने अगर आपको प्रोसीजर सिखाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे आप एग्जाम में लिखे लोगे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो जितना अच्छा प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा उसको आएगा याद रखना और अगर कुछ से नहीं ट्राई करोगे ना कुछ भी कुछ नहीं आने वाला समझना है इसलिए सीखने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इज दैट क्लियर देखो एन ऑफ ए कितना दिया है 58 और ये कितना दिया है और ये 20 दिया है राइट देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सब लोगों को जितने लोगों को भी मिला है मेडल सब दिया हुआ है कितना 58 है ना और जो तीन लोगों को है ना उन लोगों को भी मिला है इंटरसेक्शन ऐसे भी लोग हैं जो तीनों मेडल पाए और वो कितने लोगों को मिला है तो देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करेक्ट ना ये देखो ध्यान से एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा क्या फॉर्मूला है राइट है इसका वैल्यू कितना दिया है ठीक है ये 15 20 इसका वैल्यू नहीं दिया ना राइट ये कितना दिया है 3 देखो ये हो गया 58 और ये हो गया 18 मतलब अगर मैं ये 58 को कट करूं तो कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 उससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा वो माइनस और ये तीनों माइनस चले जाएंगे तो बचेगा क्या 18 इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी राइट है. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर वन. इसके बाद भी कुछ करना है लेकिन क्या करना है पहले आप इतना लिख लो उसके बाद करना क्योंकि अब इसके बाद जो असली है ना क्वेश्चन वो समझेगा. अच्छा आया आंसर कितना आया देखो जल्दी जल्दी लिखो पहले मैं फिर उसके बाद आगे का एक्सप्लेन करूंगा कि आगे अब क्या करना और क्या निकालना है क्वेश्चन में क्या मीनिंग दिया हुआ. अब तक तो मैंने वही लिखा है जो क्वेश्चन में डेटा दिया था और ये फॉर्मूला इससे मैंने लिख के भी दिया था आपको कि दिस सम इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 क्योंकि 7 एंड 9 दोनों में हम लोगों के सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है इसलिए मैंने लिख के भी दिया था उसमें कि आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9. ये हो गया क्या लिख लिया सब लोगों ने. आप सब लोग ध्यान से सुनो ओके रुकता हूँ खाली बस ऊपर उसके बाद क्या करना मैं बताता हूँ टेंशन मत ले. ए हो गया क्या? हाँ सर. चलो सब लोग अब यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखा देखो ये तीन सेट दिख रहा अपने को सेट ए बी एंड सी. ये वो स्टूडेंट है जिनको वॉलीबॉल में अवार्ड मिला है ये वो स्टूडेंट है जिनको फुटबॉल में मिला है और ये वो स्टूडेंट है जिनको बास्केटबॉल में मिला है. किसी को डाउट है इसमें? ओके अब देखो ध्यान से
ये वो स्टूडेंट है जिनको तीनों में मिला है, राइट ना। अच्छा ये पी क्या है? ये पी वो स्टूडेंट है जिनको ए और बी में अवार्ड मिला है, और पी प्लस एस ये वो स्टूडेंट है हाँ जिनको तीनों में और प्लस ए में भी मिला, ए और बी में भी मिला है, राइट ना। तो पी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर ले लेता हूं मैं बी और सी का क्यू और ए और सी का। तो पी वो स्टूडेंट है जिनको वॉलीबॉल एंड फुटबॉल दोनों में अवार्ड मिला है, और ये वो स्टूडेंट है जिनको फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों में मिला है, और ये आर वो स्टूडेंट है जिनको, करेक्ट ना। और अपने से पूछा गया है क्वेश्चन, एक बार पढ़ो लास्ट में, अपने को वो स्टूडेंट चाहिए जो एग्जैक्टली दो में अवार्ड मिला है, राइट ना। तो वो स्टूडेंट कौन कौन है? पी आर। पी वो स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली दो अवार्ड को होल्ड करते, की वो स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली दो अवार्ड को होल्ड करते, आर वो स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली दो अवार्ड होल्ड करते, यस और नो? यस सर। इसका मतलब मुझे निकालना क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट पी प्लस क्यू प्लस आर बी द स्टूडेंट हु got exactly two awards, सही बोल रहा हूँ ना? ओके, आप देखो ध्यान से, इसके नीचे में लिखना है, स्टार्ट करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये पूरा है ना, मतलब पी प्लस एस, ये सुनो। तो मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा देखो, बट मैं यहाँ पे और लिखता हूँ, लिख देता हूँ, फ्रॉम वन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हाउ मच? 18। ये क्या है अपना? तो पी प्लस एस। ये क्या है अपना? क्यू प्लस एस। ये क्या है? आर प्लस एस इक्वल टू 18। तो P plus Q plus R plus 3S equal to 18, right there? तो देखो P plus Q plus R plus S की वैल्यू कितना? 3 दिया हुआ है, तो ये आ गया 3, मतलब P plus Q plus R equal to 9। तो टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनको दो दो अवार्ड मिला है? 9। टोटल 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको दो दो अवार्ड मिला है। सबको समझा ये? यस सर। हो गया सर? हो गया, हो गया, ठीक है। ले सर, ऑनलाइन वाले हो गया सबका? ओके, बाय बाय।